मस्त गाड़ी नहीं भाई। चलिए चलते आते। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों वेलकम टू यू आरजेडी व्लॉग चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे इस आरजेडी व्लॉग चैनल पर। दोस्तों देखिए मैं भी अपने मेरे घर पर हूँ, नए वाले घर पर, और ऊपर की सबसे लास्ट वाली छत पे हूँ। और दोस्तों यहाँ से एक नंबर दिखता है पूरा गांव, बहुत अच्छा दिखता है। सबसे ऊपर वाली छत पे हूँ और बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से गांव, बहुत मस्त दिखता है। यहाँ से बावन में जाके पहाड़ियाँ भी बहुत अच्छी दिखती है, एक नंबर। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और अभी ठंडा ठंडा मौसम है, बरसात का मौसम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक नंबर। देखिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पीछे की साइड का हिस्सा है, यहाँ पर भी अभी दीवार आएगी, इधर भी अभी दीवार बन गई, देखिए आइट साइड। और मैं अभी आपको देखिए आगे से दिखाता हूँ, ये देखिए आगे से देखिए, ये कितना मस्त दिख रहा है। देखिए गांव निसरपुर कितना बड़ा दिख रहा है, देखिए ये देखिए कोयल की सुंदर सुंदर आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी मस्त है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब कोयल सुबह सुबह गाती है तो। और इधर देखिए मैंने वॉल बाउंड्री वॉल भी बना दी, इधर दीवार है कि नहीं, दीवार से मैंने पैक करवा लिया, इधर पूरा दीवार से पूरा पैक करवा लिया, उधर भरा वगैरह डलवा के इसको बराबर करवा दूंगा एक नंबर, और यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह लगवा दूंगा बहुत अच्छे से। ये देखिए इतना इतना बन गया पूरा, बस हो गया कम्प्लीट। क्या है कि दोस्तों घर तो बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाता, लेकिन जिस ठेकेदारों को मैंने ठेका दे रखा था, अब उनके यहाँ पर कुछ अर्जेंट काम आ गया था, शादी आ गई थी, तो वो 2 से 3 महीने तक आए नहीं यहाँ पर बनाने के लिए। और फिर क्या है कि ठेका दे रखा था, और दूसरे को फिर मैं ठेका दे नहीं सकता हूँ घर का, इसके लिए थोड़ा घर का काम बहुत लेट हो गया था। सो कोई दिक्कत नहीं, शांति से होगा, अच्छे से होगा, बाकी अच्छा रहेगा, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अब इतने साल तो मैंने 3-4 साल वहाँ पर गुजार दिए, झोपड़े में जो टापरा बनाया पतरे का मकान, वहाँ पर 3-4 साल गुजार दिए। अब यहाँ पर आ रहा हूँ तो थोड़ा लेट भी आऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अच्छा बन रहा है मकान, मस्त बन रहा है। तो सब्र का फल मीठा होता है, बाकी अच्छा होता है। तो मस्त घर बन रहा है, एक नंबर। और यहाँ पर आएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉगिंग आएंगे, वीडियो आएंगे, और सोना के साथ भी मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, डांस के बनाऊंगा, और यहाँ क्लास जैसा अच्छे से बनाऊंगा, एक नंबर। तो डांस भी करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह आएंगे, बहुत मज़ा आएगा फिर यहाँ पर आने के बाद। देखिए दोस्तों यहाँ पे चढ़ने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हैं, ये देखिए इधर अच्छी वाली, और इसके नीचे बाथरूम भी बन जाएगा यहाँ पर, बाहर भी अगर जो कोई भी बैठेगा तो अंदर बन जाएगा यहाँ पर। उधर मेरा कमरा बहुत बड़ा बन गया, एक नंबर। ये देखिए दोस्तों जो मेरा मकान है कि नहीं, 22x90 में बना है मकान, और इधर छुटा है थोड़ा सा, पूरा प्लाट मेरा 60x90 का है पूरा प्लाट, तो मैंने 22x90 में बनाया है, मतलब 22x60 में ऐसा पूरा बना हुआ है, और जो बाउंड्री वगैरह वॉल बाउंड्री वगैरह सहित 22x90 में हो गया पूरा, तो इतना बना है मेरा मकान। तो दोस्तों चलिए अब मैं नहा धो के अच्छे से रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि आज 11 है, 11 का दिन है, तो आज सोना को लेके चलना है खाटू श्याम मंदिर, बाबा के दर्शन करने के लिए जाना है, और वहाँ पर नारियल वगैरह चढ़ाना अच्छे से। और तो चलिए चलते हैं, आज 11 सोना, शायद उपास भी सोना का। तो चलिए नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। क्या कर रही है, रेडी हो गए तुम? चल क्या भट्टे बना रही? दोस्तों देखिए माय फेवरेट भट्टे, बैंगन की सब्जी अभी बनने वाली है, बहुत मस्त सोना बनाएगी। अपन को अभी मंदिर चलना है, है? चल इधर आए कर एक बार। अच्छा इसका सोना बहुत शर्माती है। तो चलिए दोस्तों अभी नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, फिर मिलते हैं। बाय बाय। तो दोस्तों मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, मस्त देखिए इधर मज़ा आ गया, और बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि श्रावण के सेरे अभी से गिरने लगे, मतलब सेरे और गिरते पानी आ रहे, छोटे बूंद बूंद गिरता है और पीछे बंद हो जाते, और गिरते और बंद हो जाता, मस्त मतलब बहुत ठंडागार मौसम हो गया, एक नंबर, मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक नंबर। तो चलिए अभी सोना भी रेडी हो गई है, मस्त चलते हैं खाटू श्याम मंदिर, बाबा के दर्शन आपको सभी को करवाता हूँ। आज 11 का दिन है, तो आप लोग भी दर्शन कर लेना अच्छे से। जय श्री श्याम खाटू श्याम भगवान। तो चलिए चलते हैं खाटू श्याम भगवान मंदिर। चलिए दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं, बुलेट भी तैयार है, कोयल कितनी मस्त गा रही है, वाह। चलिए दोस्तों खाटू श्याम मंदिर।
तो शाम हो गया दोस्तों। मंदिर में आज बहुत भीड़ है क्योंकि आज ग्यारस का दिन है। तो अगली भीड़ बहुत है ना भीड़ बहुत है तो अच्छा है। मतलब आज ग्यारस का दिन है, खाटू श्याम भगवान का दिन है, मतलब ग्यारस है। जय श्री श्याम भगवान। देखिए दोस्तों खाटू श्याम मंदिर कितना सुंदर है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना मस्त है। ये देखिए इधर सोना का क्या सामान ले रहे, क्या ले रहे वो? ये देखिए दुकान लगती है यहाँ पे, उधर भी क्या ले रहे तू? नहीं अभी नहीं, अपने यहाँ पे आएगा इसके बाद लेंगे अपन। तो दोस्तों खाटू श्याम मंदिर गए थे हम, बाबा के दर्शन कर लिए, बहुत मस्त अच्छे से पकड़े दर्शन करे अच्छे से। एक इधर देख रहे, इधर दोस्तों आप लोग भी खाटू श्याम मंदिर आना और बाबा के दर्शन करना कभी, बहुत अच्छा है, एक नंबर मंदिर, बहुत मस्त है हमारे बीसरपुर में। तो चलिए अब चलते घर पे, खाना वाना खाएंगे और आज क्या है क्या नहीं देखते हैं। क्यों बोले? अरे चिंता मत करो, मैं गाड़ी चढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों चलते घर पे और खाना वाना खाते हैं। ले रोटी लगा। दोस्तों देखिए बैंगन की सब्जी, वाओ एक नंबर मस्त। तो दोस्तों अभी घर पे सरे वगैरह खत्म हो गए थे तो हम अभी सरे वगैरह लेने के लिए लाए, लेने के लिए नहीं जा रहे। ये देखिए हमारे अनिल भाई सरे खींच रहे पीछे और मैं इधर हत्ती बाबा बैठा हूँ। तो ऐसा काम करना पड़ता है घर बनाने के लिए, घर बनाना बहुत बड़ी बात है, शादी करना नॉर्मल बात है और घर बनाना बहुत बड़ी बात है। देखिए कुछ पैसा भी बहुत खर्चा होता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है, सरे ले जाना पड़ता है, सीमेंट ले जाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है बहुत सारा। दोस्तों देखिए मेरे मम्मी पापा कैसे आ रहे हैं, देखिए हाँ ये लाया भैया, सारी थोड़े खत्म हो गए थे तो ये लाना पड़ा, एक भारी है नहीं पूरी ये आई। वाओ आराम से। दोस्तों मौसम देखिए कितना हो गया मस्त, पानी आ रहा है, देखिए पानी की छींटे आ रहे हैं। दोस्तों आखिरकार बरसात होने लग गई, देखिए पानी आ ही गया आखिरकार देखिए। तो दोस्तों बरसात का मौसम है और ठंडे ठंडे मौसम में भजे खाने का कुछ मजे ही कुछ अलग है। तो घर वाले बोल रहे हैं कि बेसन लेके आ जा और तेल वगैरह कुछ भी सामान वगैरह लेके आ जा। तो चलते हैं अपन मार्केट में, दुकान पर चलते हैं और सामान वगैरह लेके आते हैं और बरसात में भजे खाते हैं। मीठे चरके जैसे भी रहे खाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं मार्केट में, पहले मैं बुलेट की चाबी ले लेता हूँ इसके बाद। हाँ तो चलिए दोस्तों दुकान पे चलते हैं बेसन लेने के लिए और सामान वगैरह लेने के लिए क्योंकि भजे खाएंगे, भजे गरम गरम। आधा किलो तेल और आधा किलो बेसन ले जाए, ठीक सब बनाए दो, सब बनाए दो। चलो बेसन और तेल ले लिया। ले पगली ले, जल्दी बना। दोस्तों देखिए गरम गरम भजे सोना बना रही, इधर भी देखिए मस्त, ये देखिए वायर मस्त बना रही। ए भजे इसको देखो भजे खा रहे दोस्तों, बाहर बरसात हो रही है। दोस्तों घर पे सब मेरी हालत पूरी बेकार हो जाती है, देखिए बाल वगैरह सब
जतर कतर पानी गिर रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो पवित्र घंटी है उसे क्लिक कर लेना, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। ओके, लव यू, बाय बाय।